के वीडियो हम बात करेंगे कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से आप लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में मैं लिमिट इंक्रीज करने का आज प्रोसेस बताऊंगा आपको। मेरे को एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की तरफ से एक SMS मिला है जो कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में यहाँ पे। तो इसमें क्या मिला है कि डियर कस्टमर, इन ऑर्डर टू सर्व यू बेटर, एक्सिस बैंक ऑफर यू NSN लिमिट ऑफ 40700 रुपीज, मतलब 4,07,000 रुपीज की मुझे लिमिट मिल रही है। जो मेरी लिमिट थी 2,07,000, लगभग 2,00,000 की लिमिट मेरी इंक्रीज हो रही है। तो कैसे हो रही है पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप इनको SMS करके भी आप लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं, पर मैं आपको ऐप के थ्रू से बता रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक्सिस बैंक के ऐप में जाना है सबसे पहले। तो एक्सिस बैंक का ये ऐप आ गया, ओपन हो गया, तो इसमें अब हम लॉगिन होंगे। तो लॉगिन होता है एक्सिस बैंक के ऐप के अंदर। तो लॉगिन होने के लिए अब हम अपना MPIN एंटर कर देंगे। तो गाइस, MPIN एंटर करने के बाद अब जैसे एक्सिस बैंक में लॉगिन होंगे तो आपके सामने इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड, रिवार्ड पॉइंट और इस तरह का ऑप्शन आएगा जो आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है। तो क्रेडिट कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जिसमें दो क्रेडिट कार्ड दिखाएंगे, जिसमें से एक मेरा क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड पर ऑफर नहीं मिली मुझे, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर मुझे ऑफर मिली है, बैंक की तरफ से ऑफर दी गई है। तो गाइज, इसमें आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो गाइज, इसमें मेरी लिमिट जो दिखा रही है वो दिखा रही है 2,07,000 रुपीज। तो 2,07,000 रुपीज में लिमिट है। तो अब इसमें लिमिट में 4,07,000 करोड़, लगभग 2,00,000 की लिमिट में इंक्रीज होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर नीचे आ जाना है। तो नीचे आने पे आपको एक मैसेज दिखेगा जिसमें लिखा गेट एन इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट। तो आपको गेट एन इंस्टेंट लिमिट एनहेंसमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपको एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आर एलिजिबल फॉर फ्री क्रेडिट लिमिट इंक्रीज। तो ये आपको मैसेज आएगा जिसमें एंजॉय हायर स्पेंडिंग न्यू लिमिट 4,07,000 रुपीज। तो मेरे 4,07,000 लिमिट हो रही है, लगभग 2,00,000 की लिमिट इंक्रीज हो रही है दोस्तों। तो इसमें कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, एडिशनल चार्ज नहीं, ऑफर वैलिड टिल 24 जून तक वैलिड है। तो मैं आपको आज करके दिखाऊँ। तो इस पर आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर अवेल नाउ पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे अवेल नाउ पे क्लिक करेंगे आपसे MPIN पूछेगा जो आपको क्रेडिट लिमिट के लिए इंक्रीज करने के लिए चाहिए जो आपका मोबाइल में डाला। तो MPIN एंटर कर देते हैं। तो अभी हमने MPIN एंटर कर दिया और कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। और जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारी लिमिट के लिए ओके मैसेज आ चुका है और जो रिक्वेस्ट इंक्रीज लिमिट ऑन योर कार्ड हैज बीन रेज्ड, ये सक्सेसफुली रेज्ड भी हो गया और विद इन फ्यू सेकंड में लिमिट इंक्रीज हो चुकी है गाइस। तो गाइस, अभी मैं आपको अपनी लिमिट चेक करता हूँ। अभी देखिए मेरी लिमिट जो है 4,07,000 होगी, मतलब 4,07,000 रुपये में लिमिट हो गई है। तो क्रेडिट लिमिट मेरी इस तरह से 2,00,000 लगभग बढ़ चुकी है जस्ट फ्यू सेकंड में। तो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ ये लिमिट मैंने कैसे इंक्रीज करी और कैसे मुझे ये लिमिट मिली इंक्रीज करने का ऑफर। तो आपको भी ये ऑफर मिल सकता है। तो इसके लिए मैं आपको तीन प्रोसेस बताऊंगा, आप तीनों प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, पहला प्रोसेस होता है कि बैंक खुद से आपको क्रेडिट लिमिट ऑफर करे। जी हाँ, बैंक खुद से चाहेगा तो आपको अपने फ्रंट से ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको इंक्रीज एनहेंसमेंट का ऑफर दे देगा। तो ये बैंक की तरफ से ऑफर दी जाती है। ये ऑफर तब दी जाती है जब आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और आपके स्पेंडिंग बेसिस पे बैंक आपको ये ऑफर देती है। ये कुछ टाइम के लिए लिमिट के लिए ऑफर होती है जो बैंक की तरफ से दी जाती है। तो दोस्तों, दूसरा तरीका है मैनुअली अपनी क्रेडिट लिमिट का खुद से इंक्रीज करना। तो इसको खुद से इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बैंक से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। ये जनरली ये मेथड कोई बताता नहीं है, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। जनरली क्या होता है, जब आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड लेते समय आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है और आपके इनकम प्रूफ लिया जाता है। तो इनकम प्रूफ आपका सैलरी स्लिप भी हो सकता है, आपका ITR का फॉर्म भी हो सकता है। सपोज उसमें आपकी सैलरी स्लिप में सैलरी रही होगी 50,000 जो बढ़कर बाद में 70,000 हो गई है, या आपने ITR दिया तो ITR आपका रहा है 5,00,000 जो बाद में बढ़कर 6,00,000 या 7,00,000 हो गया है। तो उसके बेसिस पे आपको जो पहले दिया गया था वो क्रेडिट लिमिट एक दी गई थी। आप जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो आप अपने 1 साल के बाद अपने कस्टमर केयर को कॉल करना है और उनको बताना है, इवन उनको कस्टमर केयर को मेल भी कर सकते हैं, उनको बताना है कि मैंने जब ये क्रेडिट कार्ड लिया था तो मेरी जो क्रेडिट कार्ड लिमिट थी मुझे इतनी मिली थी और मेरी सैलरी इतनी थी, अब मेरी सैलरी जो बढ़कर इतनी हो गई है जो लगभग जैसे 50,000 से 70,000 हो गई, तो मुझे क्रेडिट लिमिट जो है मेरी NS इंक्रीज की जाए। तो इसके बेसिस पे आपका 100% क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। तो ये आप जरूर कर सकते हैं, या बैंक के ब्रांच में विजिट करके भी कर सकते हैं, आप उनको ईमेल करके भी कर सकते हैं, या आप उनको कॉन्टैक्ट करके भी कर सकते हैं क्रेडिट लिमिट इंक्रीज। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ये पता था कि इस तरह से आप क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। ये 100% सक्सेसफुल क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने का मेथड है। तो दोस्तों, तीसरा तरीका होता है स्पेंडिंग को मेंटेन करके चलना, मतलब आपको टाइम टू टाइम पेमेंट कर देना और स्पेंडिंग आप जो करोगे उसको रेगुलर टाइम पे आपको पेमेंट भी करना और रेगुलर टाइम पे आपको स्पेंड करते रहना, मतलब उसको इसको इस तरह से स्पेंड करना है कि आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन भी हो और टाइमली आपका पेमेंट भी हो। आपको हमेशा क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट से पहले आपको एक दिन पहले पेमेंट करने देना है। तो इसी से भी आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके स्पेंडिंग के बेसिस पे भी आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज कर देती है। तो दोस्तों, मैंने आपको लाइव प्रोसेस दिखा दिया कि लिमिट कैसे एनहेंसमेंट होता है, कैसे इंक्रीज होता है, और साथ में मैंने आपको तीन तरीके भी बता दिए लिमिट बढ़ाने के, और आपको सजेशन भी और प्रोसेस भी बता दिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।